Welcome everyone to the BioBlitz Brilliance. Today the topic which we are going to study is the human eye. Human eye को हम लोग reference दे सकते हैं human camera से भी, because it helps to form the image और हमको चीजें देखने के लिए help करता है. Eye को हम लोग basically एक sensory organ भी बोलते हैं, क्योंकि ये basically एक तरीका sensory organ, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं क्योंकि ये चीजों को sense करने में या impulse sense करके image formation में help करता है. आई की हम लोग पोजीशन की बात करेंगे तो अगर ह्यूमन स्कल है तो ह्यूमन स्कल में आई रीजन के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं या फिर सर्कुलर रीजन जो स्कल का पार्ट होता है, तो उस सर्कुलर रीजन में जिसको हम लोग सॉकेट्स या ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं उसके अंदर हमारा आई पोजीशन होता है. सो एज मेंशन ओवर हियर आई इज बेसिकली अ पेयर्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन सॉकेट्स और ऑर्बिट व्हिच इज बेसिकली अ सर्कुलर और स्फेरिकल स्ट्रक्चर. आई के ओरिजिन की बात करेंगे तो एज द ह्यूमंस आर ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल, आई का ओरिजिन होता है बेसिकली मेसोडर्म लेयर से यानी मिडल लेयर से एंड लास्ट आउटर मोस्ट लेयर से जिसको हम लोग एक्टोडर्म लेयर बोलते हैं. हेंस इट इज मेंशन ओवर हियर दैट इन ओरिजिन ऑफ आई इज मेसोडर्मल एंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. आई के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट. सो द बेसिकली द फर्स्ट थिंग व्हिच वी विल गोइंग टू स्टडी इज द आई वॉल. अब आई वॉल जो रहता है ह्यूमन बीइंग्स का वो तीन लेयर्स का बना होता है. आउटर मोस्ट इज स्क्लेरा, मिडल वन इज कोरोइड एंड द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज रेटिना. ये तीनों लेयर्स आगे जाके और पार्ट्स में डिफरेंशिएट या कंटिन्यू होते हैं. एज मेंशन ओवर हियर स्क्लेरा आगे जाके कॉर्निया में फॉर्म होता है, कोरोइड आगे जाके सीलियरी बॉडी में, सीलियरी बॉडी फर्दर कंटिन्यू होता है आयरिस में, एंड मिडल वन जो है इनर वन जो रहता है उसे हम रेटिना कहते हैं. So these are basically the walls from the outermost sclera, middle one choroid, innermost layer retina. We will be studying in detail about all the three layers. So coming over here, as we see over here, ये तीनों layers को अगर हम लोग magnify करते हैं, हमने अलग से बनाया ताकि clear differentiation दिख सके. बाहर का जो layer है उसे हम sclera कहेंगे, middle के layer को choroid कहेंगे and innermost layer को हम retina कहेंगे. स्क्लेरा जो रहता है वो आउटर मोस्ट लेयर रहता है जो बना होता है एक तरीके का डेंस कनेक्टिव टिश्यू से. व्हेन वी से डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो चीजों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है. एंड व्हेन इट इज मेंशन एज डेंस, इसका मतलब यहाँ के जो सेल्स होंगे कनेक्टिव टिश्यू के वो एक दूसरे से टाइटली कनेक्टेड होंगे. सो इट इज मेंशन ओवर हियर स्क्लेरा इज मेड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. इफ यू कैन सी ओवर हियर द आउटर मोस्ट स्क्लेरा रीजन इज कंटेनिंग इनटू एन आउटर पार्ट व्हिच इज नोन एज cornea. This part which is mentioned over here, it is known as cornea. So sclera आगे जाके continue होता है structure में जिसे हम cornea कहते हैं. Coming on to the next layer that is choroid. This one is choroid. Choroid जो रहता है basically ये जो shaded portion है, shaded portion. This is layer is the second layer or you can say as a middle layer. ये आगे जाके continue होता है दो body में जिसको हम ciliary body और ciliary body आगे continue होता है structure में जिसको हम iris कहते हैं. Now ciliary body and iris one, this two structures helps in regulating the diameter of the pupil, जिसके वजह से light का जो amount का concentration passage का में help करता है, मतलब कितना light eyes के अंदर जाना चाहिए कितना light eye के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये basically control करने में help करता है. That we'll discuss about later. So the second layer जो choroid होता है वो आगे continue होता है ciliary body में, और ciliary body आगे continue होता है आयरिस में. आयरिस को हम क्या कहते हैं, ये एक तरह का पिगमेंटेड या ओपेक पोर्शन होता है. आयरिस को हम पिगमेंटेड या ओपेक क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पिगमेंटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हर ह्यूमन बींग्स का जो आईज का कलर होता है वो अलग अलग होता है. तो डिपेंडिंग अब ये चीज की आईज का कलर क्या है, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आयरिस में जो पिगमेंट्स हैं इन्होंने कौन से कलर को जो लाइट से आते हैं उनको एब्जॉर्ब किए हैं. अगर ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे आईज का जो कलर होता है ब्लू होता है, ब्राउन कलर एब्जॉर्ब करेंगे तो ब्राउन कलर, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करेंगे तो ब्लैक कलर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं आईज का कभी भी स्केच में, तो बीच में हम ऐसे दिखाते हैं, बाजू में ऐसे आयरिस दिखाते हैं ये स्ट्रक्चर. तो ये जो स्ट्रक्चर दिखता है उसी को हम आयरिस कहते हैं. आयरिस में जो भी पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उसी के बेसिस पे हमारे आईज का कलर रिफ्लेक्ट होता है. हेंस इट इज नोन एज पिगमेंटेड और ओपेक पार्ट, और जो एक तरीके का विजिबल कलर पार्ट ऑफ आई होता है. सो दिस वाज अबाउट द कोरोइड. नेक्स्ट एंड द इनर मोस्ट लेयर इज द रेटिना. रेटिना इज द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द आई बिकॉज इसी के हेल्प से इमेज फॉर्मेशन होता है. जब रेटिना की बात करेंगे तो रेटिना का जो लेयर होता है, दिस इज द ब्लू कलर्ड पोर्शन ओवर हियर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर जिसको हम रेटिना कहते हैं.
रेटिना जो रहता है वो एक तरीके का इनर मोस्ट लेयर होता है, एंड सेकंड ये बहुत सारे सेल से कंस्टिट्यूट होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू गो फ्रॉम इनर साइड टू द आउटर साइड कंसीडरिंग द सेल्स, इनर मोस्ट सेल गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल एंड फोटोरिसेप्टर सेल। फोटोरिसेप्टर सेल्स आर द सेल्स व्हिच रिसीव्स द फोटॉन्स, इट मींस लाइट। बाइपोलर सेल्स का मतलब वो न्यूरॉन्स जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें दो प्रोसेस होंगे। सो ये गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स आर द थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स इन रेटिना जो लाइट को रिसीव करके हमारे ब्रेन के विजुअल सेंटर के पास भेजने का काम करते हैं और वहां से इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। सो व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट, जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ विजन पढ़ेंगे तो वहां पे हम समझेंगे गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल और फोटोरिसेप्टर सेल कैसे काम करते हैं। मूविंग टू लास्ट पोर्शन जो है, जो लास्ट लेयर उसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना में प्रेजेंट होते हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स एज वी स्टडीड ओवर हियर। अब फोटोरिसेप्टर सेल्स में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक को हम रॉड कहते हैं और एक को हम कोन्स कहते हैं। रॉड्स जो रहते हैं वो नाइट विजन में हेल्प करते हैं और रात में देखने के लिए जो भी पार्ट ऑफ आई, जो भी पार्ट ऑफ सेल इन प्रेजेंट इनसाइड द रेटिना हेल्प करते हैं उसे हम रॉड्स कहते हैं। नाइट विजन को हम लोग स्कोटोपिक विजन भी कहते हैं। सो कभी कभी ये अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव ऑफ सीटी या नीट ये चीज आ सकता है कि रॉड्स जो रहता है वो फोटोपिक विजन में हेल्प करता है या स्कोटोपिक विजन में हेल्प करता है। तो रॉड्स जो रहता है वो स्कोटोपिक विजन में हेल्प करता है यानी नाइट विजन में। नेक्स्ट टाइप का जो विजन होता है फोटोपिक विजन इन द डे टाइम, उसमें इमेज फॉर्म करने में हेल्प करता है आपका कोन्स। कोन्स जो रहता है वो हेल्प करता है इन फॉर्मिंग द फोटोपिक विजन या डे लाइट में देखने में हेल्प करता है। कोन्स में रेड, ग्रीन, ब्लू, ये कलर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और जो इक्वली स्टिमुलेट होते हैं तो हमको देखने में हेल्प होता है जो भी व्हाइट कलर होता है। दैट इज व्हाइट इज मेंशन ओवर हियर, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हेन स्टिमुलेटेड इक्वली, जब ये तीनों कलर्स या पिगमेंट्स इक्वली स्टिमुलेट होते हैं तब हमको व्हाइट कलर विजिबल होता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू सीटी एंड नीट पर्सपेक्टिव, अगेन रॉड्स में एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जिसे हम पर्पल रेड प्रोटीन कहते हैं, दैट इज नोन एज रोडोप्सिन। रोडोप्सिन एक तरीके का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। कॉन्जुगेटेड क्यों? क्योंकि दो चीजों से कंबाइन होकर बना रहता है। व्हेन वी से कॉन्जुगेटेड इट मींस कंबाइंड। रोडोप्सिन दो तरीके चीजों से बना रहता है, एक है रेटिनॉल और एक होता है ऑप्सिन। ऑप्सिन एक तरीके का प्रोटीन होता है और रेटिनॉल एक तरीके का केमिकल होता है जो विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। हम कहते हैं ना कभी कभी जब हमारे बॉडी में विटामिन ई का कमी होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो विटामिन ई की कमी से रेटिनॉल का फॉर्मेशन कम होता है जो कि रिजल्ट करता है फॉर इन दी दिस इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। So this was about the cones and rods. जब हम लोग आई का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो जो इनर मोस्ट लेयर होता है यहाँ पे एक पोर्शन होता है जिसे हम फोविया कहते हैं। ये जो स्पॉट होता है, इसे ट्राइंगुलर स्पॉट आपको दिख रहा है, वो एक तरीके का मैक्यूला ल्यूटिया होता है और मैक्यूला ल्यूटिया एक तरीके का येलोइश स्पॉट या येलोइश पोर्शन कह सकते हो आप रेटिना के अंदर, जिसके अंदर एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम फोविया कहते हैं। मैक्यूला ल्यूटिया और फोविया काम क्या करता है? मैक्यूला ल्यूटिया बेसिकली एक येलोइश स्पॉट होता है रेटिना के अंदर दैट अलाउज द लाइट टू फोकस व्हाइल लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट। मैक्यूला ल्यूटिया एक येलोइश स्पॉट होता है जो हेल्प करता है हमारा फोकस, लाइट को फोकस करने के लिए, ताकि इमेज क्लियरली फॉर्म हो सके जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट देखते हैं। एंड फोविया, फोविया एक स्ट्रक्चर होता है, फोविया कोई बोलते हैं ना एक स्पॉट ऐसा नहीं, फोविया एक तरह का स्ट्रक्चर होता है इन द सेंटर ऑफ ल्यूटिया जिसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ कोन्स होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे ग्रेटर रिजोल्यूशन होता है। क्योंकि कभी कभी सीटी में पूछा जाता है कि तो कोन्स का प्रेजेंस आईज में कहाँ ज्यादा होता है, सो आंसर स्पेसिफिकली ओवर देयर इज फोविया, बिकॉज फोविया कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉर्निया जो कि डे लाइट में या रिजोल्यूशन ज्यादा करने में हेल्प करता है। इन दिस लेयर यू कैन सी द स्पॉट ओवर हियर जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है जहां पे अगर लाइट पर, जहां पे कोई भी रॉड्स या कोन्स का प्रेजेंस नहीं होता है, कभी कभी जब हम बेहोश होते हैं तो हमारी जो प्यूपिल्स वगैरह होते हैं ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाने की वजह से लाइट रेस पड़ता तो है लेकिन हमको कुछ भी दिखता नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम अनकॉन्शियस होते हैं या फिर बेहोश होते हैं तो हमारे आंखों के अंदर पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है, बिकॉज लाइट तो हमारे आंख पे फॉल हो रहा है लेकिन वो कौन से स्पॉट पे फॉल हो रहा है? ब्लाइंड स्पॉट पे। इसीलिए हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं क्योंकि वहां पे हम कुछ भी देख नहीं पाते हैं। तो दिस वॉज अबाउट दी ब्लाइंड स्पॉट। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा ये स्ट्रक्चर है आपका सिलियरी बॉडी जो कि कंटिन्यू होता है आपका कोरोइड से। सिलियरी बॉडी आगे कंटिन्यू होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम लिगामेंट कहते हैं। सिलियरी बॉडी एंड लिगामेंट होल्ड करके रखने का काम करते हैं लेंस को।
लेंस एक ऐसा चीज होता है जो आपके इमेज रिजोल्यूशन में या इमेज फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है। अब यहां पे देखो, देखेंगे अगर आप, सो दिस देयर इज अ बिग स्ट्रक्चर या फिर बिग स्पेस प्रेजेंट ओवर हियर जिसको हम विट्रस चेंबर कहते हैं, और इस विट्रस चेंबर में प्रेजेंट होता है विट्रस फ्लूइड। एंड यहां पे अगर आप देखो तो ये कैसा चेंबर जैसा जगह प्रेजेंट है ये पूरा, तो इसे हम कहते हैं एक्वियस चेंबर। और ये जो फील्ड होता है वो फील्ड होता है एक्वियस फ्लूइड से। सो द एक्वियस चेंबर इज फिल्ड विद एक्वियस फ्लूइड एंड द विट्रस चेंबर इज फिल्ड विद विट्रस फ्लूइड। अब इन दोनों फ्लूइड का काम क्या होता है? विट्रस चेंबर में जो विट्रस फ्लूइड होते हैं, एक्वियस चेंबर में जो एक्वियस फ्लूइड होते हैं, इनका काम होता है आई के अंदर जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हाइड्रेट रखने का काम और इमेज रिजोल्यूशन को ज्यादा करने का काम करते हैं। सीलियरी बॉडी एंड लिगामेंट का काम होता है लेंस को होल्ड करके रखना। एज यू कैन सी ओवर हियर दिस इज स्ट्रक्चर जिसको हम आयरिस कहते हैं, और ये जो हमारा लिगामेंट एंड सीलियरी बॉडी होता है ये लेंस को होल्ड करके रखने का काम करता है। नेक्स्ट द पोर्शन विच वी सी ओवर हियर, दिस द पोर्शन विच आई एम शेडिंग ओवर हियर व्हेन आई एम सेपरेटिंग इट डिफरेंशियली ओवर हियर, तो ये वो शेडेड पोर्शन है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसे हम कहते हैं प्यूपिल, और प्यूपिल का छोटा होना या प्यूपिल का बड़ा होना इट्स ओवरऑल कंट्रोल और इट्स ओवरऑल मूवमेंट और डायमीटर इज कंट्रोल्ड बाय मसल फाइबर ऑफ आयरिस। यानी प्यूपिल का छोटा होना, प्यूपिल का बड़ा होना, इसके मूवमेंट को पूरे तरीके से इज कंट्रोल्ड बाय आयरिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। एंड वन थिंग टू मेंशन ओवर हियर अबाउट द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व वो नर्व होते हैं जो सेंसरी जो भी सिग्नल आता है हमारे आईज के थ्रू, लाइट रेज जो भी आता है इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी सिग्नल या फिर एक्शन इंपल्स के फॉर्म में, उसको विजुअल सेंट्रल ऑफ ब्रेन के पास ले जाके इमेज फॉर्मेशन काम करने में हेल्प करता है। दिस वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ विजन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। नेक्स्ट द स्ट्रक्चर विल द थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द मैकेनिज्म ऑफ विजन। नाउ लोग आई का स्ट्रक्चर तो पढ़ तो लेते हैं बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ विजन, जिसमें उनको बहुत ही परेशानी होती है समझने के लिए कि हमें आई एक्चुअल में इमेज दिखता कैसे है। सो हियर इज अ वेरी मच सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर विच यू विल स्टडी। देन अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग इफ यू मेक दिस फ्लो चार्ट एंड स्टडी वंस इट विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड बाय यू, बट दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कॉन्सेप्ट वाइज। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ विजन। मैकेनिज्म ऑफ विजन मतलब इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, हमको जो चीजें देखते हैं दिखती कैसे हैं। हम इसको स्ट्रक्चरली वाइज पढ़ेंगे। सबसे आउटर पार्ट होता है कॉर्निया, उसके ऊपर लेंस होता है। तो जैसे ही हमारा लाइट कॉर्निया पे फॉल करता है तो कॉर्निया पे फॉल होने के बाद ये प्यूपिल के थ्रू लेंस पे जाता है। यानी लाइट पहले पड़ेगा आपके कॉर्निया पे, कॉर्निया से प्यूपिल पे, प्यूपिल से लेंस पे। लेंस पे लाइट पड़ने के बाद ये पड़ता है आपका लाइट रेटिनास के लेयर पे, और रेटिनास के लेयर पे कौन से सेल्स होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स। जब भी लाइट रेटिना पे पड़ते हैं तो लेयर्स, ये जो सनलाइट होते हैं आपके रॉड्स एंड कोन्स पे पड़ते हैं। अब रॉड्स की खास बात ये है कि रॉड्स में एक तरीके पर्पल प्रोटीन होते हैं जिसे हम कहते हैं रोडोप्सिन, जो कि एक तरीके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, दो चीजों से बना होता है, एक होता है रेटिनॉल और दूसरा होता है ऑप्सिन। तो जैसे ही लाइट आपका रेटिनो और रोडोप्सिन पे पड़ता है इन प्रेजेंट इनसाइड द रेटिना, रोडोप्सिन दो पार्ट में डिसोसिएट हो जाता है, एक होता है रेटिनॉल और एक होता है ऑप्सिन। अब दो पार्ट में डिसोसिएट होने की वजह से ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। जो ऑप्सिन प्रोटीन होता है उसका, आपका जो डिसोसिएट होता है रेटिनॉल से, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है। अब उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से इट कॉजेस चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ रेटिनल सेल्स। रेटिना के जो सेल्स होते हैं उन ऑप्सिन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने की वजह से उन रेटिनल सेल्स के परमेबिलिटी में भी चेंजेस आ जाता है। जब हम कहते हैं कि परमेबिलिटी में चेंजेस आता है, इसका मतलब ये होता है कि लाइट को ग्रेटर रिजोल्यूशन से पास ऑन होने देते हैं नेक्स्ट सेल के ऊपर। सो व्हेनेवर देयर इज अ इट कॉजेस देयर इज अ चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ रेटिनल सेल्स, वहां से एक तरीके का एक्शन पोटेंशियल या स्टिमुलस जनरेट होता है। सो इट कॉजेस अ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और ये एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो इसको हमारे बाइपोलर सेल और गैंग्लियन सेल, एक्शन पोटेंशियल कैरिड बाय बाइपोलर न्यूरॉन एंड गैंग्लियन सेल्स, एक्शन पोटेंशियल को हमारे बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स लेके जाते हैं विजुअल सेंटर ऑफ ब्रेन के पास, जो किसी ना किसी एक लोब में सिचुएटेड होगा हमारे ब्रेन के। जब भी ये एक्शन पोटेंशियल ब्रेन के पास जाता है और टू द विजुअल सेंटर ऑफ द ब्रेन, विजुअल सेंटर ऑफ द ब्रेन इसको एनालाइज करता है और फिर एक मोटर सिग्नल के फॉर्म में इंपल्स भेजता है या सिग्नल भेजता है हमको, इमेज जो सामने हमको दिखती है। अभी इतना बड़ा प्रोसेस है, बट दिस प्रोसेस
occurs within a frame of a second. So जैसे हम देखते हैं तुरंत image form होता है, तो you can imagine कि ये जितना भी process है ये कैसे फटाक से होता रहेगा. So this was all about the structure of eye or mechanism of vision. If you have understood the whole concept of eye and the mechanism of vision, please do watch the whole video, like, share and subscribe, and stay tuned for the upcoming video on ear, which is also basically a sensory organ. So thank you so much and keep watching. Thank you.